औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वन नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ डेटा। तो अगर आप देखेंगे, अ नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय ड्रॉपिंग वन आर मोर डिजिट्स टू द राइट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। लेट सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 3.4586। आप कह रहे हैं कि सर ये पॉइंट के बाद जो फोर डिजिट्स आ रहे हैं, फोर नहीं, हमें दो चाहिए। तो इसको हम अपनी तरफ से इनको एट और सिक्स को हटा नहीं सकते, बल्कि इसको कुछ रूल्स के मुताबिक हम इसको जो है वो यहाँ से रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो वो जो तरीक़ेकार है जिसमें हम अनडिज़ायर्ड यानी डिज़ायर्ड डिजिट्स तक जो है नंबर को रिड्यूस करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ डेटा करने के लिए सबसे पहला रूल आप देखें, व्हेन द डिजिट dropped is more than 5, then the last retained should be increased by 1. क्या मतलब? Examples की तरफ अगर हम देखें, example अगर हम इसकी लें तो देखें, एक number जैसे suppose करें 23.67 है आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 7 को drop करना है, तो आप देखें 7 is a greater than 5, तो आप ये 23 तो सेम रहेगा, इज ग्रेटर देन, तो रिटर्न डिजिट कौन सा था, 6 था, इसमें एक ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी 20। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें, 71.57 है या 6 है, 71.56 है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 71 मैं कहूँ 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 6। इसी तरह से 13.2567 है, मैं आपसे कहूँ इसको दो डिजिट तक करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा 13.257 को ड्रॉप करेंगे तो 7 हो जाएगा। अभी भी हमने जो है वो एक और डिजिट, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आप जो है इसको करें, तो फिर 6, अब 7 को जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 13.26 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन दैट वुड बी द 6। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल्स। तो ये तो पहला रूल था कि जब कोई भी डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, तो जब उसको ड्रॉप करोगे तो रिटर्न डिजिट के अंदर एक आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बी में रूल बी देखें, आप पहले बी को देखें आप गौर से, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द लास्ट डिजिट रिटर्न शुड रिमेन सेम। क्या मतलब है, अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ अगर हम जाए, एग्जाम्पल की तरफ अगर हम जाए, सपोज करें 43.74 है और मैं चाह रहा हूं कि आप यहां तक एक डिजिट तक करें, तो आपके पास ये देखें 43.7 और ये इसके बाद जिसको आपने ड्रॉप करना है वो क्या है, 4 है, 4 इज लेस देन 5, दैट मींस 7 विल रिमेन द सेम। इसी तरह से अगर आप 96.53 पे चले गए हैं, तो ये 3 को अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप देखें ये 96. ये 3 इज अ लेस देन 5, इसके लिए हट जाएगा और यहां पे 5 ही रहेगा। सो दैट वन इज ड्रॉप्ड वन डिजिट, कौन सी, 3 को हमने किया। व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, द लास्ट रिटर्न डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ऑड है तो ऐड होगा, क्या हो मतलब, एग्जाम्पल देखें इसकी आप, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सपोज करें मैंने लिखा 16.75 और मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट डिजिट 5 को आपने ड्रॉप करना है, तो आप याद रखिएगा कैसे ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16.5, 5 क्या है, ड्रॉप करने वाली डिजिट है, उससे पहले क्या 7, वो ऑड है, ऑड है तो ऐड करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि ऑड और ऐड की स्पेलिंग देखें, डबल डी आ रहा है, अगर ऑड हो तो ऐड कर ले। तो इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स देखा जाए, यहां पे एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, 67.35, 5 को ड्रॉप करना हो तो आपके पास ये हो जाएगा 67, क्योंकि 3 ऑड है तो ऐड हो जाएगा, यहां पे एक ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर रूल नंबर डी की तरफ जाएं, बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है, व्हेन द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, द लास्ट रिटन डिजिट बी एज सच इफ इट इज इवन, वो ऐसे ही रहेगा जो है अगर इवन है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखें, तो अगर सपोज कर मैंने लिखा 16.65, मैं कह रहा हूं आपने 5 को ड्रॉप करना है, 5 को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो 5 से पहले क्या है, 6 है, वो क्या है, इवन है, दैट मीन
16.6 ही रहेगा। और इसी तरह से लेट सपोज 87.25 मैंने दिया है, तो अब आप देखें 5 को जब आपने ड्रॉप करना है तो 5 को ड्रॉप करते हुए आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखें 2 है, 2 इवन है तो सेम रहेगा, मीन्स 87.2 ही रहेगा। लेकिन इन दोनों रूल्स के बाद एक चीज और जहन में रखिएगा, अगर कहीं पर इस तरह से आ जाए, एक और एग्जाम्पल की तरफ मैं जाना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करें 42.352 आ गया, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इसकी लास्ट दो डिजिट को ड्रॉप करना है 5, अगर कंडीशन तो ये है जो हमने रूल्स किया कि भाई पहले हमने 2 को कर लिया, 4.35 हो गया 2 क्योंकि लेस देन 5 था हट गया, अब 5 आ गया। अब 5 को अगर आप करोगे, 5 को अगर आप करोगे तो यहां पे ऑड है तो एक ऐड होना चाहिए, लेकिन ये रूल तब अप्लाई होता है जब यहां पे ये 2 नहीं होता। अगर 5 के बाद, 5 को आपने ड्रॉप करना है, 5 के बाद भी कोई वैल्यूज है तो लाजमी ऐड करेंगे, चाहे इवन हो या ऑड हो। जैसे सपोज करें यहां पे तो मैंने कहा 42.4 हो गया, और अगर ये नंबर इस तरह से ना होता, ये 42.4 हो गया, अगर इस तरह से ना होता और ऐसे होता 42.652 होता तो फिर हम क्या करते, मैं आपसे कहता हूँ 5 को ड्रॉप करें, तो आप रूल्स के मुताबिक तो आप अगर चेक करेंगे तो ये ऐसे हो रहा था, पहले 2 को कर दिया, अब क्योंकि इवन है तो यही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 के बाद एक्सिस में कुछ वैल्यू है, 2 है, तो आप डायरेक्टली जब 5 ये दोनों डिजिट ड्रॉप करेंगे तो एक आप लाजमी इसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों अगर ड्रॉप करनी है तो सिर्फ 5 नहीं है, 5 से ग्रेटर है, ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपके पास 6 के बजाय आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे। सो दीज वर द रूल्स फॉर दी राउंडिंग ऑफ डेटा। उसके बाद एक चीज और जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एरर क्या होता है। एन एरर इज डिफाइंड, अब लुक एट द बोर्ड्स, एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। सपोज करें मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर की लेंथ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज 5.7 सेंटीमीटर है, और आप इसको मेजर कर रहे हैं, इसकी मैंने क्या कहा एक्चुअल लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ जो है वो है 5.7 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज, और अगर आप जो रीडिंग इसकी ले रहे हैं, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रीडिंग जो आप ले रहे हैं वो आ रही है 5.3, लेट्स सपोज, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, डिफरेंस आपके पास आ गया 0.4, तो ये 0.4 क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। ये जरूरी नहीं है कि दो शख्स अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ले तो उनकी सेम आ जाए, समटाइम्स क्या होता है उसको रीड आउट करने के हाल से जो है वो क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो एरर की अगर टाइप्स की बात करें तो एरर के 3 टाइप्स हैं जो आपके सामने हैं, एक होते हैं पर्सनल एरर, दूसरे होते हैं सिस्टमेटिक एरर, तीसरे होते हैं रैंडम एरर। ये जो आपके पास पर्सनल एरर की बात हम कर रहे हैं, एन एरर कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑब्जर्वर, इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द मेकिंग एन एरर इन रीडिंग ए स्केल, इट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। ये आमतौर पे जब हम जो रीडिंग का जो प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है, पर्सन जो रीडिंग ले रहा है वो सपोज करें हमें यहाँ पे रखकर इसको रीड करना था लेकिन हम जो है इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो कुछ जो है जो रीडिंग में फर्क आता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। इसी तरह से सिस्टमेटिक एरर जो आपके पास होते हैं, द टाइप ऑफ द एरर अराइजेस ड्यू टू द डिफेक्ट इन द मेजरिंग डिवाइस इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर। जो डिवाइस होता है, पर्सन का कोई कसूर होता है, डिवाइस जो उसकी रीडिंग ही गलत हो तो जनरली इट इज कॉल्ड द जीरो एरर। ऐसे एरर को हम जो है जीरो एरर कहते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय करेक्टिंग द मेजरमेंट ऑफ द डिवाइस, तो ये आपके सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन। उसके बाद अगर आप रैंडम एरर की बात करें, द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड द रैंडम एरर। कैसे, सडन चेंज इन अ टेम्परेचर, चेंज इन अ ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एक्सीडेंटल एरर एंड इट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। तो हम समटाइम्स जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से भी रीडिंग चेंज हो जाती है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब आप अगर बोर्ड पे देखेंगे आपके पास लिखा हुआ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज असर्टेनिंग
द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन अ फेनोमेना एज क्लोज टू अ फैक्चुअल वैल्यू एज पॉसिबल. जितना हम करेक्ट वैल्यू के नजदीक होंगे उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे. जब हम रीडिंग लें क्लोज तरीन अगर एक्चुअल वैल्यू के आ जाए तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं. वन वे ऑफ द डूइंग इज टू टेक द डिफरेंट रीडिंग्स एंड देन टेक द एवरेज. जैसे हम आमतौर पर प्रैक्टिकल्स में करते हैं कि किसी भी डिवाइस से तीन से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं, उन सबको उनका एवरेज जो मालूम करते हैं उसी को ही हम जो है वो रीडिंग मानते हैं. दैट वन इज योर टॉपिक. इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने राउंडिंग ऑफ डेटा कैसे होती है, ठीक है, एरर क्या है, एरर के टाइप्स क्या हैं और एक्यूरेसी क्या है. थैंक यू वेरी मच.